संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16:9 में पवित्र वचन कहते हैं, ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे सबसे पहले मरियम मग्दलेने को, जिससे जो उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था, दिखाई दिया। क्रिस्ती विश्वास का आधार यह है कि क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे और क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु ईसा मसीह हम सबों के लिए, सारे संसार के लिए, हम सबों को पापों से मुक्त कराने के लिए सूली पर मर गए। सूली से मरने के 3 दिन के बाद वह जी उठे और हम सबों को स्वर्ग में ले जाने के लिए वह संसार पर फिर आएंगे। यह हमारा विश्वास का आधार है। पुनरुत्थान पर्व हम सबों को प्रत्याशा की ओर ले जाते हैं। वह हमें नया आशा देते हैं, वह हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। क्रिस्ती विश्वासों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग यह है कि प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान हमें एक नए आशा प्रदान करते हैं, हमें प्रत्याशा प्रदान करते हैं। प्रभु ईसा मसीह मरने के 3 दिन के बाद जी उठे हैं। वह जीवित प्रभु है, वह हमारे साथ में है, हमारे साथ में हमेशा रहता है। यह विश्वास हमें आशा की ओर ले जाएंगे। आदिम कलीसिया में हम यह देखने के लिए मिलता है, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उन्हें एक नए जिंदगी प्रदान किए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उन्हें निराशा को छोड़कर आशा रखते हुए खुशी भरे जिंदगी प्रदान किए। हमें आदिम कलीसिया में संत स्टेफानुस को, संत स्टीफन को हमें देखने के लिए मिलता है। ईसा मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण लोग उन्हें पत्थर से मार देते हैं। पत्थर मारकर कदम करते समय भी उन्होंने, जिन लोग उन्हें पत्थर मारा वो पत्थर की ओर नहीं देखा, जो लोग उन्हें पत्थर मारा उनको ओर नहीं देखा, उन्होंने आगे ऊपर उठाकर अपने दृष्टि ऊपर लगाते हुए देखा कि प्रभु ईसा मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने उपस्थित हुए उन्होंने देखा। प्रभु ईसा मसीह के समान वह अपने शत्रुओं को प्यार करते हुए, क्षमा करते हुए, यह कहते हुए संसार से चले गए कि हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कीजिए। हमें संत पौलुस को देखने के लिए मिलता है, वह ईसाई लोगों को सताते थे, ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। वह साबुल एक फरीसी थे। वह प्रभु ईसा मसीह को देखने के बाद, पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह को देखने के बाद, उनके क्रिस्तीय अनुभव मिलने के बावजूद वह एक संत पौलुस बन जाते हैं। उनके जिंदगी में हमें देखने के लिए मिलता है, उनके जिंदगी में बहुत सारे अत्याचार उन्हें मिलते हैं, बहुत सहन करना पड़ते हैं, बहुत दुख उन्हें सहन करना पड़ते हैं। उनके बीच में भी प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु उनके साथ है, वह जीवित है। यही बात उन्हें आगे जिंदगी जीने के लिए मुसीबतों को डटकर सामने करने का कृपा संत पौलुस को मिल जाता है। इसलिए वह रोमियों पत्र में संत पौलुस के द्वारा पवित्र वचन कहते हैं, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होंगे, मसीह के प्रेम से कौन मुझे वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। और फिर कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है, ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल का कोई भी शक्ति, और ना समस्त संसार में कोई मुझे उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता जो प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुझे मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुनरुत्थान हमें आशा की ओर ले जाते हैं।
जो व्यक्ति प्रभु यीशु का पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, जिन्हें यह मालूम है कि प्रभु यीशु जीवित है, मृत्यु के बाद भी वह तीसरे दिन वह जी उठे है, वह हमारे साथ है, वह जीवित है, जिंदा है, यही जो विश्वास हमें निराशा को छोड़कर आशा की ओर ले जाते हैं। जो लोग निराशा में जीते हैं, आगे जिंदगी कुछ मालूम नहीं पड़ते हैं, उसी समय हो सके बेचे लोग परीक्षा फेल हो जाते समय खुदकुशी करने के लिए चला जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है जो किसान लोग अपने फसल खराब होने के नाते बहुत लोग खुदकुशी करते हैं, इसलिए कि उनके मन में आशा कदम हो जाते हैं, निराशा पनपने लगते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हमें आशा में जीना है, निराशा को हटाना है, हमारी जिंदगी में हमेशा खुशी से जीना है, आनंद से जीना है, हमें प्रभु ईसा मसीह पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह में हमें अटल विश्वास होना है। हमें देखने के लिए मिलते हैं कि प्रभु ईसा मसीह पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह के हाथों में कीलों का निशानी है। मुझे एक छोटी अंजलि का बात याद आ रहा है कि उनके माँ के जो चेहरा इतना विरूप थी, उनकी माँ के चेहरा विरूप होने के नाते अंजलि स्कूल में जाते समय उनके दोस्त लोग उनको चिढ़ाते थे, यह बताते हुए तुम्हारा माँ बहुत बेकार है, तुम्हारा माँ के चेहरा बहुत विरूप है, बहुत बेकार है, एक बोलते हुए अंजलि को चिढ़ाते थे। यह सुनकर अंजलि बहुत हताश हो जाता, निराश हो जाता है, बहुत दुखित हो जाती है। वो अपने घर पर जाकर मम्मी को बताते हैं कि मम्मी तुम तो बहुत बेकार है, मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, यह बताते हैं तुम तो बेकार है, तुम्हारा चेहरा बहुत विरूप है, यही बताते हुए उन लोग मुझे चिढ़ाता है, मैं तो थक गई, तुम तो बहुत बेकार है। दुखित माता अंजलि को एक घटित बात बताते हैं उनके बीते जिंदगी में हुए हैं। जब इस छोटी अंजलि बचपन में वह अपने पलंग में सो रही थी और उनकी माँ अपने बगल में पड़ोस में पानी लेने चले जाती है और वापस पानी लेकर वापस आते समय उनको पता चलता है कि उनका घर जल गया है। जले हुए वह घर पर उनके बेटे अंजलि सो रही थी, कोई भी उसको मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। माँ की ममता अपने बेटी को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ा देती है, वह जले हुए वह घर पर घुस जाते हैं और अंजलि को बचाते हैं। बाद में अंजलि की माँ को पता चलता है उनकी बेटी बच गई, लेकिन उनके चेहरा बहुत विरूप हो गई है। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह जो पुनरुत्थित है, पुनरुत्थान हुए है, उनके हाथों में कीलों का निशानी है। ये मुझे और आप लोगों को यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है, वह पापियों को प्यार करते हैं। ईश्वर प्रेम है, वह पापियों को प्यार करते हैं। हमारे लिए, हमारे पापों को उद्धार के लिए वह सूली पर मरा, जो सूली पर उन्हें कीले टोके गए हैं, वही उनके हाथों में अभी भी कीलों का निशानी है। वह कीलों का निशानी यह हमें बताते हैं, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। पवित्र वचन संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 3:16 में वचन बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने सुपुत्र को संसार के लिए अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु ईसा मसीह सबसे पहले एक पापनी स्त्री को दिखाई देते हैं पुनरुत्थान के बाद। पवित्र वचन संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16:9 वचन बताते हैं, ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे, वे सबसे पहले मरियम मगदलीना को, जिससे उन्होंने 7 अवतूतों को निकाला था, दिखाई दिया। यह वचन पढ़ते समय मेरा मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु ईसा मसीह सबसे पहले एक पापनी स्त्री को दिखाई देते हैं। वो उनके पवित्र वचन लिखने की बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह सबसे पहले उनकी माँ को दिखाई देते हैं। ऐसा होना था, लेकिन प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद भी वह
एक पावनी स्त्री को दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र वचन कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह यह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। वह हम सबों को बचाने के लिए चाहते हैं, हम सबों को पापों से मुक्त कराने के लिए चाहते हैं। मैं और आप लोग पाप में दुर्बल है, जो हम चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, जो नहीं चाहते वह कर डालते हैं। संत बोलोस कहते हैं, यदि ऐसा है तो मैं नहीं मुझ में विद्यमान जो पाप मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और आखिर में पौलुस के द्वारा पवित्र वचन कहते हैं, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मृत्यु के अधीन होने वाले इस शरीर से कौन मुझे मुक्ति दिला सकता है। ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। मेरे प्रिय दोस्तों, जो पुनरुत्थान का पर्व हम मनाते समय सबसे पहले हमारे मन में यही विचार उत्पन्न होना चाहिए कि हम हमेशा आशा में जीना है, प्रत्याशा में जीना है। चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कैंसर का बीमारी आ जाए, चाहे मेरा जिंदगी में गरीबी आ जाए, चाहे कोई भी तकलीफ मुसीबत मेरे जिंदगी में आ जाए, प्रभु ईसा मसीह मेरे साथ में है, प्रभु ईसा मसीह जीवित है, यही विचार मुझे आगे और खुशी के साथ जीने के लिए प्रेरणा देंगे। और उसके साथ साथ पुनरुत्थान पर्व हमें यह भी बताते हैं कि पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह के हाथों में कीलों का निशानी है। हम सबों को प्यार करने के लिए प्रभु इतना असहनीय पीड़ा सहन किया, सूली पर मरा, उसका निशानी प्रभु ईसा मसीह के हाथ में अभी भी है। और उसके साथ साथ पुनरुत्थान पर्व हमें यह भी बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह धर्मियों को नहीं पापियों को अधिक प्यार करते हैं। पापियों को बचाने के लिए वह इस संसार में आया, इसलिए वह एक सबसे पहले पुनरुत्थान होने के बाद वह एक पावनी स्त्री को दिखाई देते हैं। हम सब प्रभु में आशा पाने के लिए, हमेशा प्रत्याशा में जीने के लिए प्रार्थना करें। हमारे पाप प्रभु के हाथों में छोड़कर एक नए जिंदगी जीने के लिए कोशिश करें। हमेशा प्रभु ईसा मसीह के प्यार में हम सब जिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।